कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। कौन बनेगा 2022 में हनुमान? कैसा रोल होगा फिल्म में देवदत्त नागे का? क्यों उनको इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया? 5 फरवरी 1977 में पैदा हुए देवदत्त नागे मराठी फिल्मों में एक बेहतर कलाकार माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था 2014 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से, और उसके बाद आई सत्यमेव जयते। तानाजी में भी इन्होंने दमदार अभिनय किया था, और जल्द ही आ रही है मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष में भी एक मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। और क्या होगा इनका किरदार, आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाली माइथोलॉजी फिल्म आदि पुरुष में प्रभास श्री राम का रोल करते दिखेंगे, वहीं कृति सेनन करेंगी माता सीता का रोल, और जिनके बिना अधूरी है पूरी रामायण, उस लंकेश राजा रावण के किरदार में दिखाई देंगे सैफ अली खान। लेकिन राम जी के जीवन में रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी को बचाने के कठिन समय में उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहने वाले हनुमान जी का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। तो जहाँ जय श्री राम हो वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन किरदारों को निभाएंगे देवदत्त नागे, जो अपने मराठी शो जैसे जय मल्हार और डॉक्टर डॉन जैसे किरदार से जाने जाते हैं। ऐसे में अपने रोल को लेकर उनका कहना है कि ये रोल अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है, और मारुति राया से उनका कनेक्शन काफी समय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब 17 साल की एज में जिम जाना शुरू किया था तो उनकी जिम का नाम हनुमान व्यायामशाला था। इसी के साथ जब हमारे डॉक्टर डॉन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपको ये किरदार के लिए कैसे चुना गया, जिस पर देवदत्त ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी फिजिक को देखकर मुझे फिल्म के लिए कास्ट किया गया होगा, और मैं अपने इस रोल को लेकर काफी डिवोल्यूशनल हूँ, और फिल्म में एक्शन सीन्स के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वही एक बात तो तय है कि फिल्म में इस बार काफी जबरदस्त और अलग तरीके के एक्शन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म का थीम बाकी फिल्मों से अलग है। ऐसे में इन सितारों का एक्शन देखना काफी मजेदार होने वाला है। देखते हैं जब बड़े पर्दे पर फिल्म आती है तो क्या धमाका मचाती है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बताते जाइए कि आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में एक्शन होगा जबरदस्त। धन्यवाद।